हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो धमाकेदार होने वाली है। आपको पता होगा गाइस, मेरे पास बहुत सारे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एक से बढ़कर एक आरसी कार है, तो आज उनके लिए मैंने गैजेट्स वाला ट्रैक बनाया है। पहले वो ट्रैक बता देता हूँ, फिर कौन सी कार्स को वो गैजेट वाले ट्रैक के ऊपर मैं आज चलाने वाला हूँ वो बताता हूँ। चलो गाइस, पहले ट्रैक देखते हैं। ये रहा हमारा गैजेट्स वाला ट्रैक। मेरे पास जितने भी गैजेट्स है घर में, सभी गैजेट्स को यहाँ पे लगा के मैंने एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक बना दिया है। तो ट्रैक की शुरुआत होते हैं यहाँ से। यहाँ पे है आईफोन और आईपैड, साथ में मैकबुक को भी मैंने रख दिया है। मेरे को लगता है कार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ से यहाँ पे जंप लगाने में। बाकी आप देख सकते हो इसका ये जो सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ है। हमारी कार का जो टायर है यहाँ पर आकर स्लिप भी हो सकता है। अगर कार यहाँ से निकलेगी तो फिर कार को आना पड़ेगा हमारे मैकबुक के कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के बीच में आप गैप देख सकते हो। कार के टायर छोटे होने के कारण यहाँ पर अगर कार फंस भी सकती है, साथ में इस तरफ बहुत ज्यादा स्लिपरी सा सरफेस है। फिर कार आएगी हमारे ये वाले आईफोन के ऊपर, फिर ये लैपटॉप के ऊपर से कार को जंप लगा के ये Xiaomi पैड के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत स्मूथ सरफेस है। कार फिसल के इस तरफ भी गिर सकती है, या फिर कार का बैलेंस सही होगा तो कार ये फोन के ऊपर आकर यहाँ पे ये रोड के ऊपर आएगी। फिर कार को यहाँ से एक रैम्प जंप लगा के कीबोर्ड के ऊपर आना पड़ेगा। कीबोर्ड के ऊपर से कार आएगी हमारे रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। भाई ये चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से घूमने लगती है यार। फिर कार को सही तरीके से यहाँ पे जंप लगाना पड़ेगा ये फोन्स के ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने इस तरीके के स्टेप्स बना दिए हैं फोन्स को यूज करके। फिर हमारी कार आएगी ये वाले रैंप के ऊपर। ये वाले रैंप के ऊपर से कार को जंप करके ये वाले रैंप के ऊपर आने पड़ेगा। फिर इधर से जंप लगा के कार आएगी ये फोन बॉक्सेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखा है। कार के टायर्स आकर इन दोनों के बीच में फंस भी सकते हैं। देखते हैं यहाँ तक कौन सी कार पहुंच पाती है। फिर यहाँ पे देखो यार, फिर स्टेप्स की शुरुआत हो जाती है। ये डिस्टेंस अब बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद कार आएगी हमारी यहाँ पे दोस्तों। मेरा ये गोल्डन प्ले बटन है, फिर मेरा सिल्वर प्ले बटन है। इसके ऊपर से कार को चढ़ाई करके ये वाले रैप के ऊपर से यहाँ पे गोल करना पड़ेगा। कार सीधा यहाँ पे जंप लगा के यहाँ से फिसल के रोलर कोस्टर राइड के ऊपर आएगी हमारी कार। यहाँ पे भी इसको सही तरीके से बैलेंस रखना पड़ेगा। फिर अचानक से इसके सामने इस तरीके की चढ़ाई आ जाएगी। यहाँ से चढ़ के कार को यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ से जंप लगा के यहाँ से फिसलती हुई ये लाइट के ऊपर आएगी। कार जैसे ही यहाँ पे आएगी ये लाइट इस तरीके से ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कार जीत चुकी है। देखते हैं गाइस आज कौन सी कार यहाँ तक पहुंचेगी और आज के गैजेट्स वाले ट्रैक की विनर बनेगी। ट्रैक काफी ज्यादा स्लिपरी होने वाला है। चलो अभी कौन सी कार से ये दिखा देता हूँ। तो गाइस ये डिब्बे के अंदर है बहुत सारे स्मॉलेस्ट आरसी कार, यानी कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी कार भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो अब एक काम करता हूँ, ये कौन सी कार से ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आज इनको मैं किस तरीके से ट्रैक के ऊपर चलाने वाला हूँ। सबसे पहले ये वॉच कार आप देख सकते हो, तो इसको निकाल के बता देता हूँ। बाकी कार्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो और बड़ी सिंपल होती है ये। यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी और ये इसके रिमोट की तरह भी काम करता है। यहाँ पे दो बटन्स दिए गए, बाकी हम इसको चार्ज करके भी चला सकते हैं। तो अब ये रही हमारी दूसरी वाली कार, ये है हमारी टेस्ला साइबर ट्रक। इसका भी साइज बहुत ज्यादा छोटा है यार, निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट से। ये इसका रिमोट है और ये हमारी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी टेस्ला साइबर ट्रक। ओके, अब दिखा देता हूँ मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी ट्रक को। ये कम्प्लीटली एक रियल ट्रक जैसी दिखाई देती है। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। यार आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से दबा देना। ये भी मेरे फिंगर जितनी बड़ी बनाई गई है। भाई साहब इसका साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है हमारी ट्रक से। ये 10 गुना ज्यादा बड़ा रिमोट दिया गया। ये इसकी चैसिस है, इसके नीचे देखो कितने ढेर सारे टायर्स लगे हैं। इसको भी चार्ज करना पड़ता है चलाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी जाती है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ऊपर का कंटेनर है ये, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब लग रही है ना गाइस बिल्कुल एक रियल ट्रक जैसी। ये दुनिया की सबसे छोटी आरसी पुलिस कार है। इसका साइज बस मेरी फिंगर जितना ही है। साथ में इसका रिमोट आप देख सकते हो। मेरे पास दुनिया की सबसे छोटी जीप रूबीकॉन भी है और ये 4x4 पे काम करती है। यहाँ पे सभी कार्स को मैंने रख दिया। मेरे पास डिफेंडर भी है। आज सबसे पहले मैं चलाने वाला हूँ ये टेस्ला साइबर ट्रक को। स्टार्ट करते हैं गाइस। ओ भाई क्या ही स्मूथली चल रही है यार। ये तो आईपैड के ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसके आगे मैं बढ़ाने वाला हूँ। ओ माय गॉड भाई साहब, गड़बड़ हो चुकी है यार। यहाँ पर आकर ये फिसल के
नीचे फंस चुकी है। अगर इसको मैं ऊपर भी चढ़ाना चाहूँ तो ये नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ टू व्हील ड्राइव पे चलती है। अगर इसके सामने के टायर में ग्रिप होती ना तो ये आराम से चढ़ जाती, पर देखो पीछे का टायर घूम रहा है सिर्फ। सैडली अब इसको मेरे को साइड में हटाना पड़ेगा, ये ट्रैक से बाहर हो चुकी है। ओके, अब ये वॉच आरसी कार को मैं चलाने वाला हूँ। यहाँ से इसको ओपन कर लिया मैंने जब से ये चार्ज हो रही थी इसके अंदर, यहाँ पे रख देते हैं इसको। ओके गाइस, देखते हैं ये कितनी दूर तक जा पाएगी। अब इसको चला रहा हूँ मैं। ओह, स्पीड तो देखो इसकी कितनी ज्यादा दी गई है। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, स्पीड तो अच्छी है पर इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से यहाँ पर आकर ये स्टक हो चुकी है। इसको भी साइड में हटाते हैं। तो अब चलाते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ट्रक को ट्रैक के ऊपर। एक्चुअली इसके पीछे मैं ट्रेलर भी अटैच करने वाला था, अगर मैं वो लगाऊंगा तो ये ज्यादा दूर तक जंप नहीं लगा पाएगी, तो इस वजह से ट्रेलर को मैंने हटा दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी नन्ही सी ट्रक कितनी दूर तक जा पाएगी। ये देखो यार, हमारी ट्रक चलना स्टार्ट कर चुकी है। इसको जंप लगा के आईपैड के ऊपर आना पड़ेगा, और इसने जंप लगा दिया है, काफी सही जंप थी यार। अब इसको मैकबुक के ऊपर जंप लगाना पड़ेगा, और ये जंप लगा चुकी है। ओ भाई, यहां पर आकर ये थोड़ा सा फंस चुकी है, तो भी इसका गियर मैं चेंज करने वाला हूँ। ओहो भाई, देख रहे हो क्या ही जंप लगा के ये दूसरे वाले लैपटॉप पे आ चुकी है। अब इसको जंप लगा के ये Xiaomi पैड के ऊपर आना पड़ेगा। देखते हैं गाइस यहाँ से जंप लगा के बचती है या फिर गिर जाती है। ये आ चुकी है। ओ भाई, इसका भी बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा चुका था, ये थोड़ा साइड में हट चुकी है। काम करते हैं इसको ऐसे ही ऊपर चढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। ये नहीं चढ़ पा रही है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम है। ये भी ट्रैक से आउट हो चुकी है। गाइस अब चलाते हैं हमारी दुनिया की सबसे छोटी मॉन्स्टर पुलिस कार को, देखते हैं यार ये कितनी दूर तक जा पाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्पीड में चलाने वाला हूँ क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। ओ, गिरते गिरते बच चुकी है, आईपैड पे आ चुकी है, मैकबुक पे से भी पहुंच चुकी है। ओके, यहाँ से उसको ऊपर चढ़ाते हैं अभी। ओ, फिसल रही है यार सभी कार्स, देखो ये आईफोन पे आने के बाद फिसल रही थी। ओके, यहाँ तक पहुँच चुकी है। आईपैड, ये वाले लैपटॉप पे भी इसके टायर जो है बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं क्योंकि ये भी सिर्फ टू व्हील ड्राइव पे ही चलती है। इसको जंप कराने वाला हूँ मैं, ये जंप लगा चुकी है। ओ, गिरते गिरते बच चुकी है कार। अब इससे आगे मैं इसको चलाने वाला हूँ, जंप लगाते हैं। ओहो, जंप लगाने के बाद कीबोर्ड पे से तो काफी इजीली ये निकल चुकी है। अब सबसे मुश्किल रास्ता इसके सामने आ चुका है। देखो यहाँ पे काफी बड़े बड़े होल्स भी है, इसके अंदर आकर ये फंस भी सकती है, तो यहाँ से मैं इसको बहुत फास्ट निकालने के लिए ट्राई करूंगा। ओ भाई, गड़बड़ हो गई यार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था होल्स यहाँ पे काफी बड़े बड़े हैं। तो देखो अब मैं इसको पीछे निकालने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ना तो ये पीछे जा रही है ना तो ये आगे बढ़ पा रही है। यार अभी थोड़ा आगे निकल गई थी, थोड़ा इसको एक चक्कर काटने देते हैं, फिर इसको एकदम फोन के ऊपर से हम लोग निकालने वाले हैं। अभी मैंने इसका गियर चेंज करके रखा है, अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। ये टर्न होके आ चुकी है। अरे भाई, ये गड्ढे में तो ये फंस गई यार पूरी तरीके से। देखो मैंने फुल थ्रॉटल दे के रखा है, ये बिल्कुल भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है ना तो पीछे जा पा रही है। इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर पुलिस कार भी अब बाहर हो चुकी है ट्रैक के। ओके दोस्तों, अब मैं लाया हूँ डिफेंडर को, देखते हैं ये ट्रैक के ऊपर कितनी दूर तक चलती है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकती है। आईफोन के कैमरा के ऊपर इसने चढ़ाई कर दी है, काफी आराम से जा रही है। आईपैड के ऊपर से भी काफी अच्छा चल रही है। ओके, मैकबुक के ऊपर से भी निकल चुकी है, और ये वाले आईफोन को तो यार इसने पूरी तरीके से मोड़ के रख दिया था। अब यहाँ से इसको जंप लगाना पड़ेगा। ओ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है इसकी, तो थोड़ा सा इसको उतार देते हैं यहाँ से। काफ़ी आराम से उतर चुकी है, अब यहाँ पे इसको जंप लगाना पड़ेगा। मस्त तरीके से जंप लगा चुकी है, अब आ चुका है इसके सामने बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता। देखते हैं गाइस क्या है, यहाँ से निकलती है या फिर फंसती है। ओ माई गॉड, इसने तो इसको ही रोक के रख दिया था क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये फोन्स के स्टेप्स के ऊपर से भी ये काफ़ी इजीली चढ़ रही है। अब इसको जंप लगा के दूसरे रैंप पे जाना पड़ेगा, जंप लगा चुकी है, वापस से जंप लगाना पड़ेगा इसको। ओ भाई साहब, यहाँ पर आकर ये गड़बड़ कर रही है यार। इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इन बॉक्सेस के बीच में। थोड़ा सा इसको मैं फास्ट निकालता हूँ यहाँ से। ओ माई गॉड, चढ़ चुकी है। अरे यार वापस से फंस गई है, इसके टायर्स थोड़े से छोटे मेरे को लग रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, और थोड़ा आगे जाने वाली है। ये देखो गाइस, यहाँ से मैंने इसको टर्न करा लिया है।
इसके टायर्स अब धीरे धीरे करके स्लिप होने लगे थे। अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं। देखो यहाँ पे इतना स्मूथ सरफेस है, फिर भी इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। ओ माई गॉड, थोड़ा सा स्पीड मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसको निकल चुकी है। ओ ये एक तरफ टिल्ट हो रही है यार, देखो एक तरफ का टायर इसका सामने का ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ से इसको गोल करके नीचे उतरना पड़ेगा। ये मैंने इसको गोल करा ही लिया था, पर यहाँ पे एक पंगा हो चुका है। देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, ये चढ़ाई इतनी ज्यादा स्टीप है कि कार हमारी फिसल के नीचे आ चुकी है और इसका वेट भी ज्यादा होने के कारण ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई है। सैडली ये भी ट्रैक से आउट हो चुकी है। तो गाइस अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास वन एंड ओनली जीप रूबीकॉन ही बची है ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए। अगर ये कार भी फेल हो जाती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट आरसी कार के कैटेगरी में ये एक कार ही है मेरे पास। तो देखते हैं गाइस क्या ये चलती है या फिर ये भी ट्रैक के ऊपर से आउट हो जाती है। स्टार्ट करने वाला हूं मैं, वीडियो पे लाइक जरूर से कर देना गाइस। वाओ इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी है यार, इसको मैं बिल्कुल सही तरीके से चला रहा हूं। ओ इधर आकर इन दोनों के बीच में ये फंस चुकी है। इसके टायर्स काफी अच्छे खासे बड़े साइज के हैं, देखते हैं इधर से ये चढ़ाई कर पाएगी या फिर नहीं। काफी आराम से इसने चढ़ाई कर ली है। वाओ मजा आ गया यार। अब यहाँ से इसको मैं धीरे से नीचे उतारने वाला हूँ, ये उतर के आ चुकी है। ठीक है अब इसको बहुत ज़्यादा फास्ट जंप लगा के कीबोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा वरना ये फंस सकती है। सही तरीके से इसने जंप मारा है, अब यहाँ पर से इसको निकलना पड़ेगा गाइस वरना ये गड्ढों में ये फंस भी सकती है। तेज़ी से मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से। इसके सामने एक और रैंप आ चुका है, काफ़ी सही तरीके से इसने जंप लगा दिया भाई। सामने गिरने वाली थी पर इसने अपने आप को संभाल लिया है। ओ माय गॉड, मेरे को तो लगा था कि ये पलट जाएगी, फ्लिप कर देगी। यहाँ से भी ये पहुँच चुकी है। वाओ देखो इतना गैप है इन डिब्बों के बीच में, काफ़ी आराम से ये निकल चुकी है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, इधर से भी निकल चुकी है। ओ इधर थोड़ी सी इसको परेशानी हो रही थी, इधर से भी निकल चुकी है। अब इसको गोल्ड प्ले बटन के ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा संभाल के चढ़ाना पड़ेगा वरना ये सीधा नीचे भी आ सकती है। बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस से बना हुआ है। अब सिल्वर प्ले बटन के ऊपर से चढ़ाई करने वाला हूँ मैं, चढ़ चुकी है। ओ तेरी भाई फिसल रही है ये इधर आके। ओके बच गई यार, वरना ये फिसल के नीचे गिर जाती। अब देखते हैं गाइस इसके अंदर कितनी पावर है, चढ़ाई तो काफ़ी परफेक्टली ये कर रही है। अब यहाँ पे इसको गोल करना पड़ेगा, ये इसने गोल कर दिया है। जस्ट थोड़े में बच चुकी है वरना ये पलट के नीचे गिर जाती। देखो यहाँ पर आकर ये रुकी है गोल करने के बाद। अब इसको बहुत संभाल के मैं चलाने वाला हूँ यार, यहाँ तक तो ये फाइनली पहुँच चुकी है। अब इसके ऊपर इसको चढ़ाई करनी पड़ेगी, चढ़ चुकी है भाई। यार क्या ही ग्रिप दी गई है ये कार के अंदर। अब यहाँ से आगे बढ़ रही है, यहाँ पे एक और खतरनाक सी चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे आप गैप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से इसको तेज़ी से जंप लगा के नीचे उतरना पड़ेगा। ये इसने जंप लगा दिया है भाई साहब, मज़ा आ गया यार। फाइनली हमारी जीप रूबीकॉन ये ट्रैक के ऊपर से निकल के जीत चुकी है। मेरे को तो लगा था कि गाइस आधे रास्ते में ये फ्लिप मार के पलट जाएगी, पर फाइनली ये आज की हमारे गैजेट्स वाले ट्रैक की विनर है। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आज मैंने आपको इतने ढेर सारे स्मॉलेस्ट आरसी कार बता दिए हैं, इन सभी में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगी? चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। तो पहला नाम है अविराल, युवराज, रोहन, जहूर, कुशल, देवशीष, प्रियम, रतन, अर्पित, आदर्श। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।